हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड, डियर स्टूडेंट एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एट योर होम। प्लीज़ डोंट गो अवे फ्रॉम योर हाउस, स्टे एट योर होम। बच्चों, आप घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएं, घर के अंदर रहें, ये आपके लिए बहुत नेसेसरी है। जैसा कि अभी जो माहौल चल रहा है कोविड का, इसमें खुद का प्रोटेक्शन लेना मस्ट है। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। एवरीवन, ओपन योर पेज नंबर 8। टुडे वी विल स्टडी अबाउट दिस पेज। सम प्लूरल, यू कैन सी सम प्लूरल नाउन आर डिफरेंट फ्रॉम देयर सिंगुलर फॉर्म। देखो बच्चों, अभी तक हमने आपको बताया कि मोस्टली जो नाउन्स होते हैं उनको जब हम प्लूरल फॉर्म में बनाते हैं तो क्या होता है, एस लगाते हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, देखो पेज नंबर 6। व्हेन वी वांट टू मेक अ नाउन प्लूरल वी यूजली ऐड एस। हाउएवर वी ऐड ई एस टू वर्ड विच एंड इन एस एस सी एच एस एच एस X, Z और डबल Z। मीन्स जब किसी भी नाउन के एंड में डबल S, SH, CH या फिर S होता है या Z होता है, तब हम वहाँ पर क्या करते हैं, वी एड ई एस। एंड वी विल डू दीज एक्सरसाइजेस। फॉर एग्जाम्पल, ग्लास, ग्लासेस, गैस, गैसेस, विश, विशेष, स्विच, स्विचेस, हिल, हिल्स, सॉन्ग, सॉन्ग्स, ब्रिक, ब्रिक्स। क्लियर, क्लियर हो रहा है? नाउ नेक्स्ट, ऑन पेज नंबर 7, यस लुक पेज नंबर 8। सम प्लूरल नाउन आर डिफरेंट फ्रॉम देयर सिंगुलर फॉर्म। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जब इनका हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो एकदम से डिफरेंट वे होता है। जैसे अब तक हमारा जो वे था उससे हटके है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैन, लुक पिक्चर। इन एग्जांपल, मैन, एम ए एन, मैन, मैन मीन्स आदमी। जब हम इसे व्हेन वी कन्वर्ट इनटू प्लूरल फॉर्म वी राइट एम ई एन, नॉट एम ए एन एस। मोस्टली बच्चे लगा देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपका होगा एम ई एन, मैन, 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 मतलब कि बहुत सारे आदमी। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। एंड सम प्लूरल नाउन आर द सेम एज देयर सिंगुलर फॉर्म। सम प्लूरल नाउन्स आर द सेम एज देयर सिंगुलर फॉर्म, मतलब कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक होता है। मीन्स उनमें कहीं कोई चेंजेस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो, शीप, 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 शीप। एक और वर्ड होता है, बहुत कॉमन वर्ड है, वह है फिश। तो मोस्टली कहीं जगह फिशेस भी लिखा जाता है, लेकिन फिश का जो प्लूरल होता है वो फिश ही होता है। क्लियर हो रहा है? आज मैंने आपको दो बातें बताई कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर जो होता है वो हमारा चेंज होता है। मैन, मैन, एम ई एन, मैन, प्रोनंसिएशन भी लगभग एक जैसा होता है, बहुत डिफरेंट माइनर सा फ़र्क होता है। मैन, मैन, वो मैन, वे मैन। क्लियर हो रहा है? तो बस ई जो है वो हम स्पेलिंग में चेंज करेंगे, हमारा प्लूरल बन जाएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक जैसा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शीप, शीप, फिश, फिश। तो फिश का फिशेस भी बहुत से लोग लिखते हैं, तो ग्रामेटिकल सही है, लेकिन मोस्टली फिश जो होता है वो अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। नाउ लुक नेक्स्ट एक्सरसाइज, राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ ईच नाउन। इसमें हमें क्या करना है कि राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ ईच नाउन। अब ये जो आपके क्या है, ये आपकी प्लूरल फॉर्म है, इनको हमको क्या करना है, सिंगुलर लिखना है, सिंगुलर में कन्वर्ट करना है। जैसे फीट, एफ डबल ई टी, फीट,
एफ डबल ई टी फीट, फीट मीन्स होता है जब दो पैर होंगे तो हम फीट कहेंगे, लेकिन फूड मीन्स सिंगल। माइस, क्लियर है, माइस मीन्स जब बहुत सारे चूहे चूहियों की बात होती है तो माइस होता है, प्लूरल है, अब इसका सिंगुलर होगा माउस। वुमेन, अभी मैंने आपको बताया वुमेन, वुमेन का होगा वुमैन, डब्ल्यू ओ एम ए एन वुमेन, ये आपका सिंगुलर फॉर्म है। डियर, डियर, अब अभी आपको मैंने बताया कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है, तो सेम इसी में आपका डियर आता है, डियर का प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म सेम होगा। गोल्ड फिश, गोल्ड फिश, अभी मैंने आपको बताया कि जो फिश होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही होता है, तो यहाँ पे आपका गोल्ड फिश का गोल्ड फिश ही रहेगा सिंगुलर और प्लूरल दोनों में। चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन हमारा प्लूरल फॉर्म है, और व्हेन वी चेंज इनटू प्लूरल यू विल राइट चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स बच्चा, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। क्लियर हो रहा है? नाउ लुक, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। सम नाउन्स आर ऑलवेज राइट इन प्लूरल, मीन्स कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म, मतलब वो हमेशा ऐसे ही लिखे रहते हैं, वो हमेशा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होते हैं, वो हमेशा ऐसे ही लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो शॉर्ट्स, शॉर्ट्स मीन्स आपके पैंट जो आप हाफ पैंट पहनते हैं, शॉर्ट्स, वो हमेशा क्या होते हैं, वो हमेशा आपके प्लूरल फॉर्म में ही होंगे, चाहे आप सिंगुलर में यूज़ करें चाहे प्लूरल में। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका बाइनोक्यूलर्स, बाइनोक्यूलर्स मीन्स होता है एक दूरबीन टाइप का होता है जिससे हम लोग जूम करके पिक्चर्स देखते हैं, अभी हम आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट है ट्राउज़र, ट्राउज़र मीन्स पैंट, तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक जैसे ही लिखे जाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सर्कल द वर्ड विच हैव नो सिंगुलर फॉर्म, कह रहा है कि उन वर्ड्स को सर्कल करना है जो सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं, नहीं यूज होते हैं। तो आप देखिए जैसे कि सीजर, स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स मीन्स चश्मा, सीजर मीन्स कैंची, हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। नेक्स्ट गॉगल्स, ये भी आपका स्पेक्टिकल्स में आएगा। नेक्स्ट प्लायर्स, जीन्स, ये आपके क्या होंगे, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं। नाउ आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ बाइनोक्यूलर्स, यस यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ बाइनोक्यूलर्स। ये जो बाइनोक्यूलर्स होती है इसे हिंदी में कह सकते हैं दूरबीन होती है, जिसको देखने से कोई भी पिक्चर होती है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होती है, जूम करके हम उसे पास करके देख सकते हैं। तो ये आपका, तो टुडे डियर स्टूडेंट, टुडे यू विल फिल पेज नंबर 8, आफ्टर दैट वी विल इन नेक्स्ट ऑडियो वी विल रीड अबाउट नाउन एंड इट्स काइंड, हम लोग इसके बाद जो नाउन और इट्स काइंड पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू, स्टे योर होम, टेक केयर।